गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल. कैसे हो आप सब? आई होप आप सब एकदम बढ़िया और एकदम मजे में होंगे. सो फाइनली आज मैं उस वीडियो के साथ आई हूँ जो मैं बहुत टाइम से आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती थी. एंड थंबनेल और टाइटल देख के आपको पता चल गया होगा वीडियो किस टॉपिक पे होने वाली है. सो यू कैन सी आई एम सो एक्साइटेड बिकॉज आई फाइनली गॉट माई यूनिफॉर्म. आई गॉट माई एवरी थिंग. आई गॉट माई स्केड्यूल. आई गॉट माई यूनिफॉर्म्स. बस थोड़ी बहुत ट्रेनिंग भी बची हुई है. सो नाउ इन टूडेज वीडियो आई एम गोना शेयर वॉट ऑल आई हैव गॉट एंड आई शो यू माई यूनिफॉर्म कि मुझे क्या क्या चीज़ें मिली हैं. सो स्टे ट्यून्ड एंड वॉच दिस वीडियो टिल एंड. एंड अगर आप मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हो, फर्स्ट टाइम मेरी वीडियोस को देख रहे हो, तो मेक श्योर दैट यू सब्सक्राइब माय चैनल एंड हिट द बेल आइकन फॉर माय वीडियोस प्राइम नोटिफिकेशन. सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स जस्ट गेट स्टार्ट विद द वीडियो. सो गाइज एज यू गाइज कैन सी हियर आई हैव माय लेओवर सूटकेस. सो दिस सूटकेस इज वेरी ह्यूज एक्चुअली. सो यू कैन सी लाइक दिस. यहाँ से मैं आपको दिखाती हूँ. काफ़ी बड़ा सूटकेस है एंड इसमें मेरे सारी चीज़ें मुझे मिली हैं. माई यूनिफॉर्म, माई हैट, माई हील्स, एवरी सिंगल थिंग आई हैव गॉट इन दिस सूटकेस. सो आई विल शो यू हाउ दिस सूटकेस लुक्स लाइक एक्चुअली. सो दिस इज द साइज ऑफ द सूटकेस. यू कैन सी वेरी बिग. एंड नाउ आई विल शो यू वॉट ऑल आई गॉट इन दिस सूटकेस. Okay, so let me open this. See my uniform and everything. I'll show you one by one मुझे क्या क्या चीजें मिली हैं. This is how it feels like when your dream come true and I still can't believe. जो हमेशा से मैंने सोचा आज वो dream मैं पूरा होते हुए देख रही हूँ. Seriously, it's like the best feeling. Ever. Okay guys, so now I'll start showing you everything one by one. So जो पहली चीज मेरे को मिली है यहाँ पे, अभी ये मुझे भी नहीं पता, let me check. Okay, so it's a belt. So Emirates के uniform के साथ इस skirt में आपके belt मिलता है and this is how the belt looks like. So मैंने इसको भी remove नहीं किया है and मैं आपको remove करके भी दिखा देती हूँ. I don't know if it's a seal pack or what. No, it's not a seal pack. Okay, so I've got this belt and yeah, it's nice. All I can say that it's nice. So this is the first thing which I have got. So let me keep it one by one. Okay, so after belt what I have got is, so this is something जो कि मुझे भी नहीं पता कि क्या है. And okay, so this is ओवन ग्लव्स. तो आप कैबिन क्रू को ओवन ग्लव्स इंडिया में जब मैं थी तो मुझे खुद परचेज करना पड़ा था. लाइक इंडिया में भी कैबिन क्रू के पास ओवन ग्लव्स होता है. सो दिस इज़ दी ओवन ग्लव्स एंड मैंने अभी तक सीरियसली ओवन ग्लव्स देखे नहीं थे. ओके, सो इट्स काइंड ऑफ लाइक दीज काइंड ऑफ ओवन ग्लव्स आई हैव गॉट एंड इट्स अमेजिंग लाइक फायर फाइटिंग. सो बेसिकली इनके ओवन ग्लव्स ना बहुत बड़े यहाँ तक हैं सो दैट हमारे यू नो हाथ वाथ ना जले. सो दिस इज़ दी ओवन ग्लव्स आई हैव गॉट. तो मुझे उस टाइम यहाँ पे, और मैं ना ओवन ग्लव्स लाना भूल भी गई थी अपना. मुझे लगा था यहाँ पे भी हमें खुद परचेज करना पड़ेगा बट नहीं, इन्होंने ओवन ग्लव्स दिए हुए हैं. सो या दिस इज़ द सेकेंड थिंग विच इज़ दी ओवन ग्लव्स. आई विल कीप इट इनसाइड. इसके बाद मुझे ये दो वाइट चीज़ जो मिली है मैं आपको बाद में दिखाऊंगी. मैं अभी नहीं दिखाऊंगी, मैं आपको बाद में दिखाऊंगी बिकॉज यही है एक मेन चीज़. ओके, सो आफ्टर दैट आई गॉट दिस कार्डिगन. सो इन फ्लाइट अगर आपको ठंडी लगती है यू कैन वेयर दिस कार्डिगन ऑन योर यूनिफॉर्म. सो दिस इज द कार्डिगन. एंड मैंने लिटरली बताऊँ मुझे जब से ये चीज़ें मिली है ना मैंने कुछ भी खोल के नहीं देखा. मुझे ये था कि जब मैं आप लोगों के साथ वीडियो बनाऊंगी मैं उसी टाइम ये सारी चीज़ें खोल के देखूंगी एंड उसी टाइम चेक करूंगी कि क्या कहता है, क्या लगता है. सो दिस इज़ द कार्डिगन ऑफ एमिरेट्स यूनिफॉर्म. एंड इंडिया में भी कुछ एयरलाइंस में आपको ये कार्डिगन मिलता है लाइक इंडिगो में एंड आई डोंट नो अबाउट अदर एयरलाइंस. लाइक इन फ्लाइट अगर आपको ठंडी लगती है तो उस चीज़ के लिए. या सो दिस इज़ हाउ द कार्डिगन लुक्स लाइक. अगेन इसको अंदर रख देते हैं वापस क्योंकि मेरे बाद का काम मैं फैला के नहीं रखना चाहती हूँ. हैंड टू हैंड इसको. ओके, दिस इज द कार्डिगन. नाउ आई हैव
got the skirt of my dream airline uniform. So this is the Emirates skirt and मैं अभी आपको दिखाऊंगी because बहुत सारी uniforms मिली हैं and मुझे अभी इसको यहाँ से open करना है because यहाँ पे ये lock कर रखा है इसको तो ये पूरा look नहीं आएगा skirt का. So this is how the skirt looks. एंड अभी मैंने कुछ भी रिमूव नहीं किया, टैग वगैरह कुछ भी नहीं. इवन मैं इतनी एक्साइटेड थी अमृत्स के यूनिफॉर्म के लिए, लिटरली जब ये सब चीज़ें मुझे मिली हैं मैंने इसे पहन के भी ट्राई नहीं किया है. आई डोंट नो वाई, बट जब ट्राई करूँगी तो आप लोगों के साथ जरूर शेयर करूँगी. सो दिस इज़ दी स्कर्ट एंड सीरियसली आर काइंड ऑफ द बेस्ट स्कर्ट एवर लुक. सो आई हैव गॉट लाइक अराउंड 4 स्कर्ट्स इन दिस एंड देन आफ्टर स्कर्ट here comes the jacket. Again I've got 2 jackets jo ki andar hi de rakhi hai and this is the uniform of my dream airline. Guys I'm so excited and uniform dekhe main bahut zyada excited ho jati hu aur main kuch bhi bolti chali jati hu, so please ignore that. So this is the coat and here on the button it says Emirates as well. So every button has Emirates kind of name on it and yeah. So this is the coat and the kind of full uniform जो कि हमें पहनना होगा. एंड अभी तक मुझे मेरा नेम बैच नहीं मिला है, बट व्हेन आई विल गेट माय नेम बैच एंड द विंग्स आई विल फॉर श्योर गोना शेयर इट विद यू. अभी सिर्फ मुझे यूनिफॉर्म मिली है बिकॉज अभी जो हमारी ट्रेनिंग होने वाली है नेक्स्ट, बेसिकली अभी हम लोग रेड पोलो टी शर्ट्स में जाते थे ट्रेनिंग के लिए, अब हमारी जो ट्रेनिंग होगी दैट विल बी इन यूनिफॉर्म बिकॉज अब हमारी सर्विस की ट्रेनिंग शुरू होने वाली है. सो I've got two jackets. So एक यहाँ पर है, इसके अंदर भी एक और है. So 4 skirts and 2 jackets I've got. Okay. Now after this, here I've got my winter coat. So it's a kind of very big, huge winter coat. So this is my winter coat and I don't know ऐसे visible है या नहीं है because इसको मैं अगर remove करूँगी इसको डालने में मुझे बहुत time लगेगा. But I will do. बिकॉज मुझे आप सबको साथ ही शेयर करना है. आई डोंट नो यार ये मेरे को ओपन करना पड़ेगा. ओके फाइन. सो गाइज दिस इज माई अमृत्स विंटर कोट क्योंकि अब कुछ दिन में सर्दियां भी आने वाली हैं. देन ये विंटर कोट भी हमें पहन के जाना होगा. सो अभी इसके अंदर मतलब काइंड ऑफ बहुत ही कंफर्टेबल एंड अच्छा विंटर कोट है. इसके अंदर आपको एक्स्ट्रा वो भी मिल गया है, क्या कहते हैं, और एक और कोट है जिसको मतलब जिसको हम रिमूव भी कर सकते हैं एंड देन वापस लगा भी सकते हैं अकॉर्डिंग टू द वेदर. एंड काइंड ऑफ लॉन्ग विंटर कोट सेम इन कलर, सेम यूनिफॉर्म के कलर का ही है. एंड आई स्टिल हैव माय एयर एशिया का भी विंटर कोट. सो सोफिया इट्स माय विंटर कोट, स्टाइलिश विंटर कोट एवर. एंड आफ्टर विंटर कोट द नेक्स्ट थिंग आई हैव इज द वेस्ट कोट. So this is my waist coat. Again I have to remove it. I'm gonna remove it for you guys. Okay, it's kind of stuck here. Okay. So this is my waist coat and this is something जो कि हमें अंदर फ्लाइट में पहनना होगा when we were doing service and all. So because coat में it's not easy to you know tackle all these things, but this is like half sleeve so you can easily go like this. सबका hands में कोई मतलब difficulty नहीं होगा when you are moving. And this is the coat and यहाँ पे ये थोड़ा सा इस पर यहाँ से निकला हुआ है, मैं बाद में कट कर लूँगी. So yeah, it's a kind of waist coat. सो ये हमें बेसिकली इन फ्लाइट ही पहनना होता है, नॉट टू लाइक कि आप आउटसाइड द फ्लाइट पहनो, ऐसा नहीं है. सिर्फ इन फ्लाइट हमें कोट पहनना होता है. दिस इज कोट एंड अगेन इस पर मुझे ऑल दी वेस्ट कोट मिले, अराउंड 3-4 वेस्ट कोट यहाँ पे. इसके 2 सेट और पड़े हुए हैं तो मैंने एक ही दिखाया आपको. एंड आई कीप इट हियर. अभी मेरा यहाँ सारा सामान होता जा रहा है, वन में आई नीड टू सेटल एवरीथिंग बट इट्स ओके. ओके guys now I've got this. Oh my god, मैं मेरे को यूनिफॉर्म ना आएंगे स्टार्टिंग से दिखानी चाहिए जब कैसे पहनते हैं. मैं उल्टा दिखा रही हूँ, पहले मैंने कोट दिखाया, पहले मैंने स्कर्ट दिखाया, फिर मैंने कोट दिखाया, फिर मैंने वेस्ट कोट दिखाया, फिर विंटर दिखाया. अब मैं आपको अंदर का दिखा रही हूँ, जो अंदर का हमारे को शर्ट पहनना होता है. सो दिस इज़ द शर्ट एंड मैं सारी चीज़ें खोलती तो जा रही हूँ बट मुझे ऐसे वापस से चपतना नहीं आता है. बट इट्स ओके बिकॉज मुझे पहन के जाना ही है ऑन ट्यूजडे, तो मेरे लिए मेरे को एक एक सेट खोलना ही था. सो दैट विल बी फाइन फॉर मी.
So let's just remove this and remove this and remove this. Okay, so this is my inner kind of shirt or t-shirt. I don't know, I'm so confused between shirts and t-shirts. Okay, it's shirt. Okay, so this is the white shirt jo ki hame uniform ke andar pehna hota hai. And see this, like this is the whole uniform look. ऐसे अच्छा नहीं लगेगा, ऐसे समझ नहीं आएगा, बट जब इसको पहनते हैं ना तब जो फीलिंग आती है वो मैं आप लोग के साथ आई होप जल्दी शेयर करूँ जब इसको मैं पहनूंगी. एंड या सो दिस इज़ द शर्ट एंड इसमें कुछ इतना है नहीं, ऐसा ही नॉर्मल शर्ट. एंड देन यू हैव दिस रेड लाइनिंग जो कि यूनिफॉर्म को एक कॉन्ट्रास्ट देता है. एंड आई गॉट अराउंड लाइक फाइव शर्ट्स. And yeah, this one is here. So I'll wear this one on Tuesday because Tuesday को मुझे uniform पहन के जाना है. So I'll wear this one because मैंने इसको open कर लिया है. Now ये almost सब खाली हो गया है क्योंकि इधर अभी कुछ नहीं पड़ा है. इन पता नहीं क्या papers वगैरह. And यहाँ पे ना guys ये भी मिला हुआ है मुझे. ये मैं कैसे दिखाऊँ, ये इन्होंने इसके साथ attach कर रखा है. Okay. सो मैंने तोड़ दिया उसे. एंड यहाँ आप गॉट दिस अल्फाबेट. सो बेसिकली ये अल्फाबेट्स इसलिए दिए गए हैं कि इससे मैं अपना नेम बना सकूँ. नेम इन द सेंस कि इसमें से अल्फाबेट्स यूज़ करके आई विल पुट माय नेम एंड देन उसको मैं अपने बैग पे लगाऊंगी. सो दैट यू नो कि मैं कंफ्यूज ना रहूं कि मेरा बैग कौन सा है, बाकी क्रू का बैग कौन सा है. सो आई नीड टू पुट द स्टिकर्स ऑन माय बैग लाइक MUSKA एंड आई विल जस्ट पिक अप द अल्फाबेट्स एंड आई विल प्लेस इट ऑन माय बैग. सो दिस इज समथिंग विच आई हैव गॉट. बट आई एम प्लानिंग टू गेट अ की चेन डन. उस पर लिखा हो उस पर लाइक ऐसा लिखा हो कैबिन क्रू एमिरेट्स मुस्कान. सो मैं वैसा सोच रही हूँ, यहाँ पे एक मॉल में मिलता है वो, मेरी फ्रेंड ने बनवाया बेसिकली, तो मैं सोच रही हूँ कि वो चीज़ भी करवाऊँ. एंड देन ओके, सो दिस बैग हैज़ अ काइंड ऑफ 10 ईयर्स वारंटी, तो उसके सारे इंफॉर्मेशन दे रखे हैं इसमें. और कुछ तो नहीं है इसमें. या एंड दिस इज़ द बेल्ट. सो मैं भी सब कुछ यहीं रखती हूँ. नाउ गाइज दिस इज वॉट इज दिस. नाउ आई विल शो यू वन बाय वन. ओके, सो दिस इज़ माई कैबिन क्रू लाइक एमिरेट्स कैबिन क्रू हैंड बैग. एंड ऐसा कि मैंने आपको बताया, मैंने कुछ भी ओपन नहीं किया है. मैंने सोचा था कि जब मैं आप लोग के साथ शेयर करूँगी उसी टाइम मैं भी देखूँगी कि क्या क्या चीज़ें. एंड मैंने मम्मी पापा किसी को कुछ भी नहीं दिखाया. बस मैंने कहा कि मैं जब वीडियो डालूंगी ना तब आप लोग देखना. मम्मी पापा भी बोल रहे थे कि हमें दिखाना, बट मैंने कहा नहीं, जब मैं वीडियो डालूंगी तब आप लोग देखना, सब साथ में देखेंगे. ओके, सो अगेन so much of packing. So here is my Emirates cabin crew handbag and itni packing kar rakhi hai. So this is the handbag and kind of very classic handbag, sling, you know, slim si bag hai. And then mujhe ye bag dekh ke na apna Air Asia ka bag yaad aa gaya. And then same iske andar aapko ye sab space mile. And then kagaz, ये हमारे हर जगह का यही है, बैग के अंदर कागज़ आपको मिलेगा नए बैग में. काश हमें नए बैग में थोड़े पैसे पड़े हुए मिलते तो कितना अच्छा होता. आई एम थिंकिंग टू मच. एंड अगेन आपको यहाँ पे से वो चेन्स हैं इसमें यही कागज़, जो मतलब कोई भी नया बैग हो ना इसमें आपको कागज़ ही मिलता है और कुछ नहीं मिल सकता है. एंड काश हमें इसमें कुछ पैसे पड़े हुए मिलते, कितना अच्छा होता ना. तो आई नो आई एम आस्किंग फॉर टू मच नाउ. सो दिस इज द बैग एंड यू नो काइंड ऑफ सारा ये कॉन्ट्रास्ट एकदम यूनिफॉर्म का एकदम परफेक्ट कॉन्ट्रास्ट है. हर चीज़ लाइक बेज कलर एंड यू नो. सो बेसिकली यू नो वॉट, हमारी जब अभी ट्रेनिंग चल रही थी तो मतलब इस यूनिफॉर्म के कलर के पीछे का क्या रीज़न है, हमने अपने ट्रेनर से पूछा कि लाइक like we were just talking about our uniform, Emirates ka uniform, and they said that Emirates uniform is the best uniform ever because this uniform, the color of this uniform, it's beige and it's kind of, you know, describe from where we are coming, like it's a Dubai, so this color describes the desert. So Dubai is all about deserts, that's why the color of this uniform is like beige. So you can see, so we have like desert colors like this, so isi wajah se. तो इसका ये रीज़न है कि हमारी यूनिफॉर्म का ये कलर है. उसके बाद आई हैव गॉट दिस. सो
दिस इज माई फ्लैट शूज जो कि कैबिन में मुझे पहनना है. बेसिकली अभी मुझे मेरी हील्स नहीं मिली है. मेरे पाँव इतने बड़े हैं ना कि मेरे साइज इजिली मिलता नहीं है. तो अभी मेरी जो हील्स है वो मुझे लेने जाना है. वो मुझे ट्यूजडे को ही मिलेगी. तो सेम इसी कलर की होगी बट उसमें हील्स लगा होगा. एंड दिस इज माई फ्लैट शूज जो कि मैं को कैबिन में पहनना होगा व्हाइल वी आर सर्विंग, बिकॉज इन फ्लाइट यू कांट वेयर हील्स. इट्स लाइक नॉट ईजी एंड नॉट पॉसिबल कि आप इतना फ्लाइट्स में टर्बुलेंस कभी कुछ हो जाए. सो वी गॉट थ्री ऑप्शंस. देयर वर थ्री काइंड ऑफ शूज. इट्स लाइक कि आपको एक हाई हील्स मिलेगी, एक मीडियम हील्स है एंड देन एक फ्लैट है. नाउ यू हैव टू चूज टू फुटवेयर्स. यू वांट वेदर यू वांट टू टेक हाई हील्स और फ्लैट वन. दिस वन इज द फ्लैट वन और मीडियम हील और द फ्लैट वन और मीडियम हील एंड द मीडियम हील. So I was like, I need high heels because this uniform, I want to look good in this uniform. I want high heels. I know on ground थोड़ा सा problem होता है चलने में, मतलब लड़कियाँ अपने आप को तकलीफ सह लेंगी लेकिन अपने looks पे कोई खराबी नहीं चाहिए उन्हें. So this is the heels. Now what's inside this? I'm gonna show you what is inside this. For that you need to wait. So guys, this is the thing which was inside that box and now this is the scarf, white scarf जो मैंने आप लोगों को बोला था कि मैं थोड़ी देर में दिखाऊंगी. See, इस hat के लिए मतलब ये जब इसका size भी लिया जा रहा था ना इस hat का, I was so excited and अभी मेरे बाल थोड़े open हो रखे हैं इसी वजह से थोड़ा scarf अजीब सा लग रहा है. Otherwise ये scarf और ये हैट मैंने हमेशा अपने ड्रीम्स में देखा था एंड आज मैं इसको फुलफिल होते हुए देख रही हूँ. आई स्टिल कांट बिलीव दैट आई हैव रीच दिस हाइट एंड इट्स स्टिल अ ड्रीम फॉर मी. मुझे लगता है कि मैं अभी भी सपना देख रही हूँ एंड आई डोंट नो बट ये हकीकत है. आई डोंट नो मैं क्या क्या बोल रही हूँ बट सीरियसली आई कांट एक्सप्रेस माई फीलिंग्स बिकॉज दिस इज समथिंग जिसके लिए मैंने हमेशा सोचा. मैंने अपने आप को कभी भी किसी दूसरे यूनिफॉर्म में नहीं इमेजिन किया था कि मैं कभी कतर की पहनूंगी यूनिफॉर्म या मैं कभी इतिहाद की पहनूंगी. बट मैंने हमेशा जब भी मैं इस हैट के बारे में सोचती थी ना, मैं हमेशा बहुत ज़्यादा एक्साइटेड, मतलब मैंने अपने आप को उस यूनिफॉर्म में इतनी बार, मतलब इस यूनिफॉर्म में इतनी बार ड्रीम में अपने आप को इमेजिन किया है ना, इतना इमेजिन किया है कि आज जब ये पूरा हो रहा है तो मुझे बिलीव नहीं हो रहा है इस चीज़ का. एंड दिस इज़ द बेस्ट थिंग विच आई लाइक अबाउट माई यूनिफॉर्म, दिस हैट. दिस इज़ लाइक अ प्राइड फॉर मी गाइस. सो दीज ऑल आर द थिंग्स विच आई हैव गॉट इन माई दिस लेओवर बैग. मुझे ऑलमोस्ट सारी चीज़ें मिल गई हैं एक्सेप्ट माई नेम बैच एंड द व्हाट वी से द विंग्स. Still, I'm so excited. हम लोग की चीज़ सुन सुन के पक गए हो गए एंड या ये सारी चीज़ें मुझे मिली थी एंड आई होप आप लोगों को भी बहुत अच्छा लगा होगा ये चीज़ देख के. एंड आई विश आप लोग में जो लोग भी एमिरेट्स में क्रू बनना चाहते हो आप लोग की विश पूरी हो एंड यू ऑल्सो गेट टू फील दिस काइंड ऑफ हैप्पीनेस इन योर लाइफ एंड इट्स लाइक अ प्राउड मोमेंट. आई डोंट नो बट इट्स अ प्राउड मोमेंट फॉर मी बिकॉज yeah, so just touch wood, I just want this happiness to be like long lasting and also I'm so sorry main vlogs nahi dal pa rahi hu, actually kind of thodi busy thi and yeah, so that's all. Mujhe comment section mein zarur batana ki aap log bhi meri tarah excited hue and yeah, mujhe zarur batana ek baar comment section mein. Guys, so that's all for today. Thank you so much for watching this video and if agar aapko ye video achhi lagi hai then do like and share this video and if you are new to my channel please make sure that you subscribe my channel and hit the bell icon for my videos brand notification and become a family member of my YouFam. Bye bye, thank you for watching.